ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खां आपके साथ मृदुल नहीं थे अपने व्यवहार में, क्या हुआ था पुल के उद्घाटन के वक्त? पर मैंने अपनी मृदुलता नहीं छोड़ी। हुआ क्या था? हुआ ये था कि सिग्नेचर ब्रिज जो 11 वर्षों से इंतजार हो रहा था कि वो बने, 2014 में जब मैं चुनाव लड़ने गया तो हर दरवाजे से आवाज़ आ रही थी सिग्नेचर ब्रिज बनाओगे, सिग्नेचर ब्रिज बनाओगे। तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में सेकेंड नंबर पे पहला लिखा ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करना है, उसी से जुड़ा था सिग्नेचर ब्रिज बनाऊंगा। और मैंने पूरी तफ्तीश की, पता चला 11 साल से कितनी कंपनियां भाग चुकी हैं, 1100 करोड़ रुपया उसमें जा चुका है। साहिब सिंह वर्मा जी के समय में एक बस गिरी थी तो बच्चे 28-29 बच्चे मर गए थे तब। ये 98 के चुनाव में बड़ा चुनावी मुद्दा भी था, बड़ा बड़ा चुनावी मुद्दा था। और ये 97 में घटना घटी थी और ये बच्चे जब उतने 28-29 बच्चे एक साथ मर गए सौरभ जी, तो साहिब सिंह वर्मा जी ने तुरंत ये सैंक्शन किया। 98 में कांग्रेस की सरकार आ गई, उन्होंने इसको रोक दिया। जैसे ही अटल जी आए, अटल जी ने फिर इसको तुरंत पास किया, पैसा सैंक्शन हुआ। लेकिन क्या हुआ, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, पैसा तो जाता रहा लेकिन पुल नहीं बना। जब मैं 2014 में आया हूँ तब पता चला 33 करोड़ और दे दो तो पुल बन जाएगा 2016 तक। ये दिल्ली सरकार ने कहा आप लोगों से? नहीं, तब राष्ट्रपति शासन था। अच्छा, तब राष्ट्रपति शासन था और उस समय हमने तत्कालीन एलजी से बात करके और एचएम से बात करके, राजनाथ सिंह जी एचएम थे, और हमने 33 करोड़ रुपया सैंक्शन कराया, ब्रिज बनना शुरू हो गया। और जब ब्रिज बन के तैयार हो गया, मैं तो टूट पड़ा था उसी पे ना, आपको कितनी फ़ोटो दिखा सकता हूँ जहाँ हेलमेट पहन के हम लोग रोज़ उसकी मुआयने कर रहे हैं, साहिब सिंह चौहान होते थे सब हम लोग। जब पुल बन के तैयार होता है तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, अब वो कहते हैं मैं उद्घाटन करूँगा। मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए, आपको मुख्यमंत्री हैं आप, और दूसरे का काम किया हुआ उद्घाटन करने की आपको बहुत शौक़ है आपको। लेकिन उन्होंने क्या किया, मुझे वहाँ पे आने से मना कर दिया कि आप नहीं आ सकते। तो भाई आधिकारिक रूप से या आधिकारिक रूप से उन्होंने हमें सूचना देने से डिपार्टमेंट को मना कर दिया। पीडब्ल्यू विभाग, डी विभाग की तरफ से आपको न्योता नहीं आया? नहीं आया। स्थानीय सांसदों को तो जाता है, एकदम प्रोटोकॉल है। मैंने अभी केस किया हुआ है, मेरा जो सांसद का अधिकार है उसके अनुसार हमने संसद में चिट्ठी लिखी हुई है और उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन कार्यक्रम के ठीक एक दिन पहले जब मैंने ये ट्वीट किया कि भाई सिग्नेचर ब्रिज शुरू किया साहिब सिंह वर्मा जी ने, पैसा सैंक्शन किया अटल जी ने, रोका कांग्रेस ने, फिर हम आके बनाए हैं, तब आपकी सरकार नहीं थी, राष्ट्रपति शासन था, अब बनने के बाद आप सांसद को नहीं आने दे रहे हो, कोई बात नहीं, हमें पुल चाहिए, उद्घाटन कोई करे। तो मनीष सिसोदिया ने कोट रिट्वीट किया कि दिल्ली के सभी लोग आमंत्रित हैं और आप भी आमंत्रित हैं। तो मुझे निमंत्रण मिल गया, मैं वहाँ चला गया और जाने के बाद जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा है सौरभ भाई। आई वाज सरप्राइज्ड कि कैसे लोग हो सकते हैं। मनोज तिवारी को मंच पे नहीं जाने दिया गया, हमने कहा सामने कुर्सी लगा दो, यहीं बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं, आप घुस भी नहीं सकते उस एरिया में। और एक ऐसा संघर्ष कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडों की तरह पुलिस पे अटैक कर रहे हैं, पुलिस भी बड़ी विचित्र स्थिति में। फाइनली मैं कहा कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ, चुपचाप खड़ा हूँ। और खड़ा होने पे वो अरविंद केजरीवाल जी के विधायक अमंतुल्लाह खान ने हमको, वो जो खड़ा होने का पोजीशन बड़ा अजीब है, 3 फीट के गैप में एक उधर रेलिंग है एक इधर रेलिंग है, मैं उस पर खड़ा था और ही पुश्ड मी, उसने धक्का दिया। धक्का देने के पहले उसने गाली गलौज की, बहुत माँ बहन की गाली। मैं उस दिन सिर्फ वहाँ पे ऐसा कोई बवाल ना हो, क्योंकि लोग तो सब हमारे थे वहाँ, जो मेरे साथ 2,500 लोग आए थे। तो उसमें मैं देखा कि जब ये मुझे धक्का दे दिया तब मैं सोचा ये बहुत बहुत दूसरे स्तर के लोग हैं, और मैं वापस चला आया, वो दुनिया ने देखा।
दो सवाल हैं इससे जुड़े हुए मनोज जी। पहला ये कि दुनिया ने उसी कार्यक्रम की एक वीडियो फुटेज देखी जिसमें आप एक पुलिस अधिकारी की गिरेबा पकड़े हुए हैं और लोगों ने कहा कि एक पुलिस वाले से जो ड्यूटी पे है, जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उससे एक चुना हुआ सांसद इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकता है? पुलिस वाले ने क्यों नहीं कहा? ये मॉक फोटो था, क्योंकि वो पुलिस आपकी सरकार को रिपोर्ट करती है। नहीं 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 नहीं, वो अतुल ठाकुर बहुत मॉक फोटो था, मतलब वो जो नहीं वो एक बनाते हैं लोग, क्या कहते हैं उसको, फोटोशॉप। फोटोशॉप हाँ, वो ये लोग हमको, ये लोग धक्का दे रहे थे हमको। हाँ। पुलिस समय वो तो हमें बचा रहा था। अच्छा, तो बचाते समय चूंकि आप फोटो देखेंगे सब, चूंकि वो हमको घेरे में लिए हुए थे लोग कि मनोज तिवारी को कुछ ना हो, तो उनके ऊपर पीछे से धक्का लगता था तो मैं उनको रोकता था तो वो पीछे से धक्का आता था, वो उसकी फोटो है। लेकिन वीडियो में जब आप उन पुलिस वालों से संवाद कर रहे हैं तब आप मृदुल नहीं रह पाते। हाँ, तब मैं नहीं था। देखिए आप सौरभ जी, आप भी बताओ, मैं पुलिस को बोल रहा था कि आप लोग पुलिस की ड्यूटी नहीं कर रहे हो, मैं सांसद हूँ, मुझे प्रोटोकॉल वाइज कौन रोक सकता है यहाँ खड़ा होने से और ऊपर जाने से। हमारे क्षेत्र में इस पुल का उद्घाटन हो रहा है तो पुलिस को तो मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, मेरे अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए थी। तब मैंने कहा कि मैं आप लोगों को ये मैं वाच कर रहा हूँ और ये ठीक नहीं है। मैंने कहा था ये बात जी, मैं आज भी कहता हूँ, मैं कभी भी इस सिचुएशन में कहूँगा कि पुलिस कानून की रक्षा करने के लिए है, गुंडों से बचने के लिए मुझे ही हटा दो, ये तो ठीक नहीं था भाई।